दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो फिनिश में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर है, BSNL ग्राहक हो जाए सावधान, अगर आपने यह नहीं किया तो मोबाइल में बचा हुआ बैलेंस हो जाएगा खाली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप BSNL के प्रीपेड ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है, खास वैसे ग्राहक जो समय पर रिचार्ज नहीं कराते हैं, और खास तौर पर सावधान हो जाइए। सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने अपने प्रीपेड ग्राहक के लिए एक नया प्रावधान जारी किया है। BGR की खबर के मुताबिक अगर आप रिचार्ज 7 दिनों के अंदर नहीं कराते हैं तो आपके मोबाइल में बचा हुआ बैलेंस खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि BGR की खबर के मुताबिक यदि BSNL ग्राहक 60 दिनों तक यानी कि 2 महीने तक रिचार्ज नहीं कराते हैं तो उनका प्रीपेड कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि BSNL पिछले कुछ समय से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। जी हां दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग, सरकार ने की बड़ी घोषणा, कर्मचारियों को 1 अगस्त से मिलेगा बढ़ा हुआ HRA। जी हाँ दोस्तों, 7वां वेतन आयोग, हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 अगस्त 2019 से मकान किराया भत्ता 7वें वेतन आयोग को सिफारिश के अनुसार मिलेगा। सरकार की इस घोषणा से लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को बढ़ा हुआ HRA का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि बढ़ा हुआ HRA 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार 1996 से बंद किए गए मृतकों और आश्रितों के लिए पुराने नीति को फिर से शुरू करेगी। इसके तहत 92 वर्ष की आयु या फिर 5 साल नौकरी तक चुने गए किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो ऐसे उस पर भी आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। यह नई व्यवस्था भी 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के बाद अब ये इसरो का बड़ा प्लान, शुरू हो चुकी है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा की सतीश धवल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसरो ने सोमवार दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग की है। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए की गई। चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर किसी अंतरिक्ष यान को भेजे जाने पर यह पहला मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को सफल लॉन्चिंग की बधाई दी। आपको बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से पहले ही अपने अंतरिक्ष गगन की तैयारी शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत भारत मानव को चंद्रयान पर सतह पर उतारेगा। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष मिशन गगनयान के 10 क्रू मेंबर के चुनाव और प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायुसेना को जिम्मेदारी सौंप दी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि रेलवे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को राहत पहुंचाने की यह बड़ी घोषणा, नहीं देना होगा कोई शुल्क। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने बिहार और असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने देश भर में सरकारी और दूसरे अधिकृत संस्था जो बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं उनसे इन सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। रेलवे मुफ्त में राहत सामग्री बुक कर बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचाएगा। राहत सामग्री को बिना शुल्क भेजने का फैसला दोनों राज्यों के किसी भी रेलवे स्टेशन पर सामान भेजने पर लागू होगा। रेलवे के निर्देश के अनुसार बिहार और असम राहत सामग्री को मुफ्त भेजने के लिए किसी भी सरकारी और दूसरे अन्य संगठन, अस्थायी मंडल, रेल प्रबंधक कार्यालय को संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि आधार कानून तोड़ने वालों पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, जांच अधिकारी की नियुक्ति जल्द। जी हाँ दोस्तों, आधार कानून को तोड़ने वालों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जल्द ही न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। UIDAI ने कहा है कि इस न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में 1 से 1.5 माह का समय लग सकता है। इस न्यायिक अधिकारी ऐसे मामले के आरोप पर सिविल जुर्माना लगाएंगे। आपको बता दें कि संसद ने इससे पहले इसी महीने एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोग बैंक खाता खोलने या फिर मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए आधार को पहचान के रूप में स्वैच्छिक रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे। आधार और अन्य कानून संशोधन अधिनियम के कानून के प्रावधानों और नियमों और निर्देशों के उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि छोटे शहरों में चलेगी मेट्रो लाइन, यात्री कर सकेंगे सस्ती और सुलभ यात्रा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने छोटे शहरों और कस्बों के लिए लाइन अर्बन रेल ट्रांजिशन सिस्टम मेट्रो लाइन शुरू करने का प्रावधान पेश किया है।
यह मेट्रो लाइन ऐसे शहर में शुरू किया जाएगा जहां कम यात्री हैं। हर ट्रेन में 3 कोच होंगे और ट्रेन की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय आवास और शहरी कामकाज मंत्रालय ने मेट्रो लाइन सिस्टम को लेकर के विज्ञापन जारी किया है। इस मेट्रो को जमीन की सतह और एलिवेशन हिस्सों पर डेवलप किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार राज्य सरकारों की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि बैंकों से 20 लाख से ज्यादा की जमा निकासी पर अनिवार्य हो सकता है आधार वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था की नकदी के प्रावधान में कमी लाने और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बैंकों में एक निश्चित राशि से ज्यादा की जमा और निकासी पर आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य बना सकती है। TOI रिपोर्ट के मुताबिक आधार वेरिफिकेशन के लिए सरकार बायोमेट्रिक टूल या फिर वन टाइम पासवर्ड का विकल्प दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य बनाने के लिए जमा निकासी की सीमा तय करने पर विचार हो रहा है, लेकिन यह 20 से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। सूत्रों के कहना है कि इस कदम का मकसद छोटे ट्रांजिशन करने वालों को कोई दिक्कत पैदा हो, इस बड़े ट्रांजिशन वालों को पता लगेगा। बड़े लेन देन के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य होगा, लेकिन एक सीमा तय होने के बाद पैन नंबर के साथ आधार का वेरिफिकेशन भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि भारतीय यूजर्स का डाटा देश में ही रहेगा, टिकटॉक डाटा सेंटर बनाने पर कर रहा है विचार। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और हेलो को पेमेंट कंपनी बाइडेंस भारतीय यूजर्स का डाटा भारत में ही रखने के लिए यहाँ डाटा सेंटर स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है। कंपनी का यह बयान है कि उस समय आया है जब भारत ने टिकटॉक और हेलो ऐप में 20 सवाल के जवाब मांगे हो और इस ऐप में बढ़ती एंटी नेशनल एक्टिविस्ट के चलते केंद्र ने यह चेतावनी दी है कि अगर इसे 22 जून तक सवाल पूरा नहीं किया गया है तो उसे बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि RBI का बड़ा खुलासा, लगातार बढ़ रहे ATM फ्रॉड, आप भी आ सकते हैं गिरफ्त में, पैसों को रखे ऐसे सेफ। जी हाँ दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में 2018 और 19 में ATM के जरिए 179 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में ATM धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली दूसरे स्थान पर है। इस घटना में 1 लाख या उससे अधिक रुपए के मामले इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि पुलिस और साइबर क्राइम विशेषज्ञों के मुताबिक बदमाश अब ATM या डेबिट कार्ड के माध्यम से लोगों के बैंक खातों पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रिक ATM और पॉइंट ऑफ सेल मशीन का डिस्क्रिमर डिवाइस किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कौन से धोखाधड़ी की शिकायत है और कौन से काम करके आप इनसे बच सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगली खबर में आइए दोस्तों, जानते हैं आज के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव क्या रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कच्चे तेल के दामों में नरमी रहने से लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव नहीं हुआ है। तेल की कीमतों में जारी तेजी थम गई है, वहीं लगातार 10वें दिन डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप अलग अलग राज्य के अलग अलग पेट्रोल डीजल के ताजा भाव स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि दोस्तों खुशखबरी, फिर सस्ता हो सकता है कर्ज, RBI गवर्नर ने दिया निर्देश। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने यानी अगस्त में मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है। यदि केंद्रीय बैंक ऐसा करता है तो यह लगातार चौथा मौका होगा जब ब्याज दर घट जाएगा। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने यह जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि RBI ने 2019 में रेपो रेट अब तक 0.75% की कटौती की है। हालांकि बैंकों में अब तक सिर्फ 15 से 20 बेसिस पॉइंट का फायदा दिया गया है। RBI की अगली पॉलिसी बैठक 7 अगस्त को होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि SBI ग्राहक के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 दिन बाद से बैंक देगा यह फ्री सर्विस। जी हाँ दोस्तों, SBI अपने ग्राहक को 1 अगस्त से एक जरूरी फैसिलिटी मुफ्त देने वाला है। SBI पैसे के लेन देन के लिए जुड़ी IMPS सर्विसेज को 1 अगस्त से बिल्कुल मुफ्त कर देगा। इसके अलावा SBI ने निफ्ट और RTGS के चार्जेस को भी खत्म करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि SBI की ओर से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे NEFT, RTGS और IMPS के चार्जेस खत्म किए जाने के बाद SBI ने भी अपने ग्राहकों के लिए इसे फ्री करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि IMPS क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का संक्षिप्त रूप IMPS है। IMPS मोबाइल के जरिए फंड ट्रांसफर करने का मोड होता है। इस मोड का उपयोग कर अकाउंट होल्डर बैंक से अपने दोस्त या रिश्तेदार को फंड ट्रांसफर कर सकता है। यह सुविधा राष्ट्रीय भुगतान कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। I'm going to go to the hospital.